आज 59 साल उस घटना के हुए जब तिब्बत में एक आंदोलन, एक पुनर्जागरण शुरू हुआ। और यह पुनर्जागरण इससे 10 साल पहले एक बहुत बड़ी ताकत जो संख्या में, क्षेत्रफल में तिब्बत से कहीं ज़्यादा है, उसके द्वारा बहुत कायराना तरीके से हमला करके जो तिब्बत में दमन शुरू हुआ था, उसके खिलाफ तिब्बत के निहत्थे लोगों ने, जिनके पास बहुत साधन नहीं थे, उन लोगों ने जो एक अपना आंदोलन शुरू किया, घरों से बाहर सड़कों पर निकले, यह एक दुनिया के इतिहास में, मानवता के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। यह केवल तिब्बत के लिए आज़ादी का आंदोलन नहीं था, आज से 60 साल पहले जो यह घटना हुई, ऐसी घटनाएं दुनिया में कभी कभार होती रही है। अभी जहाँ तक समर्थन की बात है, नारा लग रहे थे भारत सरकार साथ दो, दुनिया वालों साथ दो। अभी मैं देख रहा था, मैं कुछ उसको पढ़ रहा था, मैंने देखा उस पर इंटरनेट पर जो खबरें हैं, दुनिया का खास करके जो बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित देश हैं, उसका कोई भी शहर ऐसा नहीं, जो प्रमुख शहर मैंने देखने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जितने भी देशों के कुछ शहरों को मैं जानता हूँ, उसके अलावे भी सैकड़ों शहर हैं जहाँ पर आज यह आंदोलन, यह सभा या विरोध प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं। केवल यहाँ भारत में जंतर मंतर पर जो कुछ लोग हैं, 500 लोग, 1000 लोग होंगे, उनको आप मत गिनिए। जो दुनिया भर में जो समर्थन आपको मिल रहा है, सरकारें चलती है, सरकारें रणनीति के तहत चलती है, कूटनीति के तहत चलती है, उनका आर्थिक संबंध होता है, रणनीतिक संबंध होता है, लेकिन जब जनता उठ खड़ी होती है दुनिया भर की, तो वह सरकारों के पीछे नहीं चला करती है, वह अपने ढंग से चलती है, अपना निर्णय लेती है। आज दुनिया भर में तिब्बत के आज़ादी के प्रति जो समर्थन है, वह सारी दुनिया में जग जाहिर है, दिख रहा है। आपको विश्वास जिन लोगों को ना हो, वह देख सकते हैं कि जब आज से 8-10 साल पहले, ठीक याद नहीं है, 2008 में या 10 में जब चीन में ओलंपिक हो रहा था, तो उसका जो बैटन होता है ओलंपिक का, वो दुनिया के किसी भी देश में सही ढंग से नहीं चल पाया, और इसलिए नहीं चल पाया कि हर जगह उसका विरोध हुआ, सब जगह सेरेमोनियल, कुछ भारत में भी कुछ राजपथ पर 1.5 किलोमीटर उसको चला करके और चीन वापस कर दिया गया। तो ये समर्थन आपके प्रति, आपके आंदोलन के प्रति और आपके जो यह संघर्ष है, इसके प्रति दुनिया का समर्थन, दुनिया के लोगों का समर्थन आपके साथ है, आगे भी रहेगा। भारत का समर्थन तो आपके साथ हमेशा से रहा ही है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो निराशा की बात करते हैं कि तिब्बत चीन से आज़ाद नहीं हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे मिलते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ और आप भी इस बात को समझ लें कि कितनी भी बड़ी सत्ता हो, अगर वह दुर्दांत है, अगर वह दमन करने वाली है, अगर वह जनता के खिलाफ चलने वाली है, तो उसका अंत एक दिन निश्चित होता है। दुनिया में कौन जानता है कि स्पार्टकस नाम का एक गुलाम, जो रोम की सत्ता, ऐसी सत्ता जिसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, एक आदमी, एक गुलाम जो लड़ाई में मारा जाता है लड़ करके, दो लोगों को, दो गुलामों को लड़ा करके, और तमाशा देखते वहाँ के जो सामंत है, वहाँ के जो बड़े लोग थे, उस एक आदमी के विद्रोह के बाद आज दुनिया में स्वतंत्रता की इतनी बड़ी लहर उठ खड़ी हुई है। या कौन उस समय जानता था कि एक आदमी उठ खड़ा होगा और दुनिया इतनी बदल जाएगी। आज तो आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में है। भारत जैसे देश जो गुलाम रहा है, इतने 100 सालों तक गुलामी के बाद ऐसे साम्राज्य से लड़ा, आपके सामने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, चीन आज से 70 साल पहले ही आज़ाद हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके अपने
गरीबी, उनकी गरीबी का आंकड़ा और अमीरी का आंकड़ा इतना ज्यादा गैप है कि कुछ जो उसके जो समुद्र तटीय इलाके हैं वो तो दुनिया भर में विकसित हो रहे हैं, दिखते हैं कि विकसित हैं, लेकिन उसके अंदर के जो स्टेट्स हैं, अंदर के जो लोग हैं, वो कितनी जहालत की जिंदगी जी रहे हैं और उनमें कितना गुस्सा उस शासन के प्रति है, इसको भी देखना चाहिए। हम तो उस भारत की बात करते हैं जिसके खिलाफ ऐसी सत्ता इंग्लैंड की सत्ता थी जिसके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। आज उस इंग्लैंड की स्थिति यह है कि महीनों तक वहाँ सूरज दिखाई नहीं देता है। तो ये जो आज़ादी की लड़ाई आपका जज्बा है, आपका जो ये दलाई लामा के नेतृत्व में जो अहिंसात्मक लड़ाई आपने शुरू कर रखी है, अहिंसा का जो अस्त्र लेकर के आप उठ खड़े हुए हैं, वह एक दिन अवश्य फलीभूत होगा और इसका नतीजा निकलेगा जब चीन अपने ही भार से, जैसे दुनिया की महाशक्तियां अपने ही भार से प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में खुद नष्ट हो गई, अपने साम्राज्यों को ही बचाने रखने में लड़ करके आपस में खत्म हो गए, चीन भी उस तरह से दमनकारी नीति अपना करके खुद ब खुद खत्म होने जा रहा है। उसकी शुरुआत अभी आप देख सकते हैं कि उसका जो वो जो चल रहा है दुनिया भर में वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी, उसके खिलाफ दुनिया के कितने देश, उसके पड़ोसी जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनके बीच में गठबंधन बन रहा है, वो सब रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, भारत भी उसकी बात कर रहा है। तो ऐसी सत्ताएं बहुत दिन तक चल नहीं पाती है और बहुत लोगों को बहुत दिनों तक दबा के कोई रख नहीं सकता है। अगर आज़ादी और उसके जुनून आज़ादी की मांग हो, तिब्बत स्वतंत्र देश रहा है, हजारों साल से उसका अपना इतिहास रहा है, उसकी संस्कृति रही है, उसका क्षेत्रफल अपना रहा है और उसको 50 साल 60 साल अगर कोई दबा के रखता है तो ये दुनिया के इतिहास में कोई बड़ी बात नहीं है। 200 साल 400 साल तो भारत गुलाम रहने के बाद आज़ाद हुआ है और यह मैं विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी लड़ाई जारी रहेगी और चीन को एक दिन भारत से तिब्बत से हटना पड़ेगा। और 1959 में जो अपराइजिंग, जो उत्थान पुनरुत्थान तिब्बत का शुरू हुआ, कुछ हज़ार लोग जो निहत्थे लोग चीन की बड़ी शक्ति बड़ी ताकत बड़ी हथियारों तोपों के मुकाबले आकर के खड़े हो गए थे, वह एक दुनिया के इतिहास में मानव आज़ादी को रास्ता दिखाने वाला रहा है और वह दुनिया के लिए एक रास्ता है, एक सबक है और उसमें सारी दुनिया के साथ मिल करके पूरा तिब्बत आज़ाद होगा। एक दिन यह मैं आशा व्यक्त करता हूँ और आपके आंदोलन का समर्थन करता हूँ तहे दिल से और बहुत इससे प्रभावित भी हूँ कि इतने दिनों के लंबे संघर्ष में आप जुटे हुए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका भारत आदि देशों ने किया। मैं इतनी बात ही खत्म करता हूँ इस क्षमा के साथ कि जिस तिब्बत ने हमारी संस्कृति को, बौद्ध संस्कृति को सैकड़ों साल तक बचा के रखा, वो भाषा मैं जानता नहीं हूँ, इसीलिए तिब्बती में मैं बोल नहीं पाया। इसके लिए आप सब मुझे क्षमा लेते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।